कंसेप्ट एंड सॉल्यूशन में आपका वेलकम है। टुडे इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कि जब टू पैरेलल लाइन को एक अनदर लाइंस जिसको ट्रांसवर्सल कहते हैं जब इंटरसेक्ट करेगा तो कितने एंगल्स बनेंगे और ये सारे एंगल्स को क्या नाम दिया गया है और ये सारे एंगल्स में क्या रिलेशन है, इस वीडियो में हम लोग अच्छी तरह समझेंगे। सो प्लीज़ इस वीडियो को आप अंत तक देखें तो आपका अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा कि सब क्या रिलेशन होता है। ठीक है, आइए तो स्टार्ट करते हैं। हमको क्या करना है, दो पैरेलल लाइंस को ड्रॉ करना है। सबसे पहले सपोज दैट यह टू पैरेलल्स लाइन है, वन इज एल एंड अदर अनदर इज एम। ठीक है, जब इस टू पैरेलल लाइंस को कोई थर्ड लाइंस अगर इंटरसेक्ट करता है तो उसको जैसे सपोज दैट एक आपका थर्ड लाइंस जो है इस तरह की है, थर्ड लाइंस ये टू लाइन टू पैरेलल लाइंस को क्या कर रहा है, ट्रांसवर्स कर रहा है। मींस ये टू पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रहा है तो जिसको इस लाइंस को हम लोग टी ले लेते हैं, मीन्स ट्रांसवर्सल। ठीक है, मीन्स टू पैरेलल लाइंस को जो लाइन काटेगा उसको ट्रांसवर्सल कहते हैं। आइए अब यहाँ देखते हैं कि जब दो पैरेलल लाइंस को कोई अनदर लाइंस इंटरसेक्ट करता है तो वहाँ कितने एंगल्स बनेंगे। तो इस पॉइंट पर देखते हैं कि यहाँ पर आपका देख रहे हैं कि ये फोर एंगल्स फॉर्म बन रहा है और यहाँ भी आपका देख रहे हैं कि क्या हो गया, ये फोर एंगल्स बन रहा है। तो ऐसा करते हैं सब एंगल्स का नेम कर देते हैं, नाम दे देते हैं। सपोज दैट ये एंगल वन है, ये टू है, ये थ्री है, ये फोर है। ठीक है, ये आपका फाइव है, ये आपका सिक्स है, ये सेवन और एट है। ठीक है, इस तरह आप देख रहे हैं कि जब टू पैरेलल्स लाइन को कोई ट्रांस इंटरसेक्ट करता है तो आपका फोर एंगल्स का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, अब हम लोग ये जान गए फोर एंगल्स। अब आते हैं कि ये सारे फोर एंगल्स को क्या नाम देंगे, क्या नाम होता है और इसमें क्या रिलेशन होता है। ठीक है, तो सबसे पहले आप समझेंगे कोरस्पोंडिंग एंगल। ठीक है, तो कोरस्पोंडिंग एंगल इसमें हम देखेंगे, यहाँ देख रहे हैं एंगल वन, एंगल वन का कोरस्पोंडिंग एंगल कौन कहलाएगा, एंगल फाइव। मीन्स टू पैरेलल लाइंस के टू पैरेलल लाइंस का एक कॉमन पॉइंट पर जो एंगल बनेगा और वह सेम साइड में जो एंगल बनेगा, ठीक है, वो कोरस्पोंडिंग होता है। डैट इज एंगल वन और एंगल फाइव आपस में एक दूसरे का कोरस्पोंडिंग एंगल कहलाएंगे। उसी तरह एंगल फोर, देखिए नीचे बन रहा है, ये एंगल नीचे बन रहा है तो यहाँ भी एक नीचे एंगल बन रहा है एट, तो ये फोर किसके साथ, एट के साथ कोरस्पोंडिंग एंगल हो जाएगा। उसी तरह टू, देखिए ये लाइन के अबव, तो ये लाइन के अबव सिक्स बन रहा है तो टू के साथ कोरस्पोंडिंग कौन सा, सिक्स हो जाएगा। उसी तरह थ्री किसके साथ, सेवन आ जाएगा। तो यहाँ देखते हैं कि फोर पेयर्स बन रहा है कोरस्पोंडिंग एंगल का, वो पेयर कौन कौन है आपका, मीन्स एंगल वन का कोरस्पोंडिंग एंगल फाइव हो गया। ठीक है, फिर दूसरा आपका एंगल फोर का कोरस्पोंडिंग एंगल एंगल एट हो गया। ठीक है, एंगल टू का कोरस्पोंडिंग कौन सा हो जाएगा, सिक्स हो जाएगा। और आपका एंगल थ्री का कोरस्पोंडिंग एंगल ए सेवन। तो ये देख रहे हैं कोरस्पोंडिंग एंगल का कितना फोर पेयर्स बन रहा है, ये कोरस्पोंडिंग एंगल कितना फोर पेयर्स बन रहा है। ठीक है, तो आप समझ में आ गया किस कौन एंगल किसका कोरस्पोंडिंग होता है, कोरस्पोंडिंग एंगल होता है, ये क्लियर हो गया आपका। ठीक है, और इसमें कोरस्पोंडिंग एंगल्स में एक रिलेशन होता है, जितने भी कोरस्पोंडिंग एंगल्स के पेयर हैं वो आपस में इक्वल एंगल होते हैं। डैट इज आप बोलेंगे कि एंगल वन का कोरस्पोंडिंग एंगल फाइव है तो बोल सकते कि एंगल वन इजकल टू एंगल फाइव, मीन्स एंगल वन और एंगल फाइव का सेम वैल्यू होगा। उसी तरह एंगल फोर इजकल टू कौन सा, एंगल एट होगा। उसी तरह एंगल टू इजकल टू एंगल सिक्स होगा
और उसी तरह आपका एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 7। तो ये सब क्रोस्पॉन्डिंग पेयर जो बन रहे हैं एंगल्स का, वो आपस में पेयर्स ऑफ एंगल्स जो होते हैं इक्वल्स होते हैं, है ना। तो आप लिख सकते हैं एंगल्स ऑफ पेयर आर इक्वल्स, मीन्स कोरिस्पॉन्डिंग एंगल का जो पेयर बन रहे हैं वो आपस में क्या होते हैं इक्वल होते हैं। डैट इज आप देख सकते हैं क्लियर कि एंगल 1 एंगल 5 के इक्वल हो जाएगा, एंगल 4 एंगल 8 का हो जाएगा, एंगल 5 एंगल 2 एंगल 6 एंगल 3 एंगल 7। तो आप समझ गए कोरिस्पॉन्डिंग एंगल क्या होता है। इसमें क्वेश्चन ऐसे दिया रहेगा, कहेगा कि आपका एंगल 1 का वैल्यू, अगर एंगल 1 का वैल्यू अगर आपका 100 डिग्री है, वन एंगल वन का वैल्यू 100 डिग्री है, तो कहेगा कि एंगल एंगल 5 का वैल्यू कितना होगा। तो आप कैसे बताएंगे एंगल 5 का वैल्यू 100 डिग्री हो गया, क्योंकि तो आप पता है कि एंगल 1 का क्रोस्पॉन्डिंग एंगल 5 होता है। तो यहाँ पर लिख दीजिएगा क्या, बगल में क्रोस्पॉन्डिंग एंगल, क्रोस्पॉन्डिंग एंगल, ठीक है। तो ये क्लियर हो गया, कोरस्पॉन्डिंग एंगल अच्छी तरह समझ गए। फिर मेरा है अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। देखिए यहाँ पर कह रहा है इंटीरियर एंगल्स, इंटीरियर मीन्स ये दो पैरेलल लाइंस के अंदर में जो एंगल होगा वो इंटीरियर एंगल कहलाएगा। जैसे एंगल 3 4 5 6, एंगल 3 4 5 6 ये सब अंदर में एंगल बन रहा है, इसलिए इंटीरियर कहला रहा है। अल्टरनेट, अल्टरनेट तो देखिए एक एक लाइन के अपोजिट में है ना, जैसे एंगल 3 एंगल 5 एंगल 4 एंगल 6 ये सब आपका में अल्टरनेट इंटीरियर्स एंगल्स कहलाएंगे। तो आप यहाँ पर पेयर कौन कौन सा किसका अल्टरनेट बन रहा है, तो देख रहे हैं कि एंगल 4 किसके साथ अल्टरनेट हो रहा है, एंगल 4 एंगल 6 के साथ, ठीक है। उसके बाद देख रहे हैं कि एंगल 3 किसके साथ हो रहा है, एंगल 5 के साथ। तो ये आप देख रहे हैं कि यहाँ पर 2 पेयर बन रहा है, ये 2 पेयर्स बन रहा है आपका अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स का, ठीक है। और ये आपका अल्टरनेट इंटीरियर्स एंगल भी आपस में इक्वल होते हैं। डेट इज आप बोल सकते हैं कि एंगल 4 का वैल्यू एंगल 6 के बराबर होता है और एंगल 3 एंगल 5 का, है ना। ये पेयर देख रहे हैं एंगल एंगल 4 के साथ एंगल 6 पेयर हो रहा है, तो इसलिए एंगल 4 और एंगल 6 का वैल्यू सेम होगा और एंगल 3 एंगल 5 का भी वैल्यू सेम होगा, ठीक है। मीन्स इसमें भी क्या होता है, एंगल्स ऑफ पेयर इक्वल होता है, एंगल्स ऑफ इच पेयर आर इक्वल्स, ठीक है। तो ये आप समझ गए हैं कि अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स क्या होता है। फिर होता अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल, किसे कहते हैं एक्सटेरियर एंगल, अल्टरनेट एक्सटेरियर एंगल किसे कहिएगा। देखिए एक्सटेरियर मतलब बाहर, देखिए लाइन ये पहले लाइन के बाहर एंगल कौन कौन है, एंगल 1 2 7 और 8 ये सब एक्सटेरियर एंगल कहला है। तो ये सब में आपका रिलेशन हो रहा है, तो एंगल 1 का अल्टरनेट एंगल 7 हो जाएगा और एंगल 2 का अल्टरनेट एंगल 8 हो जाएगा। तो आप देख सकते हैं एंगल 1 का अल्टरनेट एंगल 7 हो गया और आपका एंगल 2 का एंगल 8 हो गया। तो आप अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल का इसमें भी 2 पेयर हो गए, इसमें भी आपका 2 पेयर्स हो गया। देखिए यहाँ पे आपको कोई भी नाम चेंज 1 2 3 कहीं से भी स्टार्ट कर देंगे तो उसमें ऐसा नहीं है। हमको ये देखना है कि यहाँ जो एंगल बनेगा उसका और यहाँ जो एंगल बनेगा इसका, ये सब अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल होगा। ये आप नंबरिंग आप दूसरा भी कर सकते हैं तो उसके अनुसार से कर सकते, लेकिन फिलहाल इस फिगर में आपको क्लियर पता चल रहा है कि हमने इसको 1 किया है उसमें 7 किया है, इसलिए एंगल 1 एंगल 7 का अल्टरनेट हो रहा है और एंगल 2 एंगल 8 का हो रहा है, ठीक है। ये भी आपस में, ये दोनों आपस में क्या होता है पेयर इक्वल होते हैं। डैट इज एंगल 1 इजकल टू एंगल 7 और एंगल 2 इजकल टू एंगल 8, मतलब ये भी क्या होता है एंगल्स ऑफ पेयर पेयर आर इक्वल्स, ठीक है। डैट इज आपको अगर एंगल 1 का वैल्यू अगर कुछ दिया हो
जैसे एंगल वन का वैल्यू आपका दिया, जैसे एंगल वन का वैल्यू आपका कुछ दिया हो 50 डिग्री, तो यहाँ डायरेक्ट बोल सकते हैं कि एंगल सेवन कितना होगा, 50 डिग्री हो जाएगा, इसके कारण अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल के कारण। ठीक है, तो ये आप समझ गए हैं अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल। लास्ट मेरा है को इंटीरियर एंगल, को इंटीरियर एंगल्स, ठीक है, को इंटीरियर एंगल, इसको सेम साइड एंगल्स भी कहते हैं। तो देखिए को इंटीरियर, इंटीरियर मतलब देखिए 3, 4, 5, 6, ये 4 को मेरा इंटीरियर एंगल है। तो को मतलब क्या होता है, को एडुकेशन, को मतलब क्या है, एक ही साइड में जो एंगल होता है इंटीरियर एंगल, है ना। तो देख रहे हैं कि 4 का कौन इंटीरियर एंगल हो रहा है, 5, ये दोनों एक ही साइड में है, और 3 किसके साथ है, 6 के साथ। तो ये सब आपका एंगल 4 और एंगल 5 को इंटीरियर एंगल्स कहलाया, और आपका एंगल 3 का एंगल 6 को इंटीरियर एंगल कहलाया। मीन्स एंगल 4 का को इंटीरियर एंगल कौन होगा, एंगल 5, और एंगल 3 का कौन होगा, एंगल 6 हो जाएगा। तो ये आप देख रहे हैं को इंटीरियर एंगल, मतलब सेम साइड की तरफ इंटीरियर एंगल्स रहता है, उसको को इंटीरियर एंगल्स कहते हैं। और आपको बता दो कि ये सब इक्वल नहीं होता, दे आर नॉट इक्वल्स, ठीक है। तो क्या होता है, बट ये दोनों के बीच में को इंटीरियर एंगल का सम, सम ऑफ को इंटीरियर एंगल्स इज सप्लीमेंट्री, सप्लीमेंट्री का मतलब क्या होता है, 180 डिग्री। मींस को इंटीरियर एंगल्स का सम 180 डिग्री होता है। तो आप देखते हैं एंगल 4 का को इंटीरियर एंगल को ना 5 हो रहा है, तो आप बता सकते हैं कि एंगल 4 प्लस एंगल 5 क्या हो जाएगा, 180 डिग्री। या बोल सकते हैं कि एंगल 3 प्लस एंगल 6 का वैल्यू कितना हो जाएगा, 180 डिग्री हो जाएगा, ठीक है। मीन्स को इंटीरियर एंगल्स का सम 180 डिग्री होता है। तो अगर मान लेते हैं कि अगर कोई एंगल आपको दिया हो, जैसे एंगल 4 दिया हुआ है, एंगल 4 अगर मान लेते हैं कि आपका दिया हुआ 100 डिग्री, ठीक है, तो एंगल 5 कैसे निकलेगा, तो एंगल 5 निकालना हो तो देखिए कितना करेंगे, 180 डिग्री में से क्या कर देंगे, 180 डिग्री माइनस 100 हंड्रेड कर देंगे, दैट इज आप कितना 80 डिग्री। तो इस तरह का आप प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। तो हम लोग देख लिए कि ये सारे एंगल्स में क्या होता है और सारे एंगल्स में रिलेशन क्या होता है। तो आप इसमें पैरेलल लाइंस और ट्रांसवर्सल लाइंस से वीडियो जो बना है आप अच्छी तरह समझ में आ गया होगा, ठीक है। इससे रिलेटेड प्रॉब्लम आप लोग सोल्व करेंगे, और कोई भी अगर प्रॉब्लम हो तो आप हमें कमेंट करके कमेंट सेक्शन में कमेंट करेंगे। थैंक यू, आपका दिन शुभ हो।